नमस्कार, पेश है आज की कुछ खास खबरें। सीमेंट ढुलाई विवाद को सुलझाने के लिए अडानी समूह के ACC प्लांट के पदाधिकारियों और ट्रक ऑपरेटरों के बीच 6 घंटे तक चली बातचीत का परिणाम सफल रहा। लंबी बातचीत के दौरान ACC की तरफ से माल भाड़े की दर 10 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर तक की गई, जो ट्रक ऑपरेटरों को मंजूर नहीं थी। ऐसे में ट्रकों को सीमावर्ती क्षेत्रों पर रोकने की घोषणा के तहत गुस्साए ट्रक ऑपरेटरों ने बिलासपुर की सीमाओं की नाकेबंदी जारी कर दी है। आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राजस्व बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पन बिजली उत्पादन पर शुक्रवार से वाटर सेस लागू कर दिया है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर राजस्व जुटाने के लिए प्रदेश सरकार ने बिजली उत्पादन पर पानी का सेस लगाने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा के हस्ताक्षर अभियान की पार्टी के आला नेताओं ने शुक्रवार को समीक्षा की। अभियान की प्रगति पर चर्चा के लिए प्रदेश भाजपा के आला पदाधिकारी, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व CM जयराम ठाकुर के निवास स्थान पर एकजुट हुए और विशेष बैठक में भाग लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद थे। बैठक में प्रदेश में कांग्रेस सरकार के विरोध में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। हिमाचल के नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आज शपथ ग्रहण कर ली। समारोह राजभवन शिमला में दोपहर बाद हुआ। हिमाचल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सवीना ने शिव प्रताप शुक्ला को 29वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इत्यादि मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू कैबिनेट का विस्तार 25 फरवरी के बाद हो सकता है। कैबिनेट में खाली चल रहे 3 मंत्रियों के पदों को भरा जाएगा। निगमों और बोर्डों में अध्यक्ष उपाध्यक्षों की नियुक्तियां भी की जाएंगी। इसके संकेत हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने दिए हैं। शुक्रवार देर रात तक हिमाचल कांग्रेस की समीक्षा बैठक चली। बैठक में कांग्रेस की गारंटियों को लेकर राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के नगरोटा बागवा के विधायक और पर्यटन निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली की माता किरण बाली का शनिवार सुबह देहांत हो गया। 2 दिन पहले किरण बाली को कांगड़ा स्थित उनके आवास मजदूर कुटिया से सुबह लगभग 5:30 बजे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर के 34 वार्डों में 147 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने घरों के आसपास ही पोलिंग बूथ बनाने के निर्देश दिए हैं। हर वार्ड के लिए लगभग 3 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। ये बूथ कॉलेज और सरकारी बिल्डिंग्स में बनाए जाएंगे। राजधानी शिमला से दिल्ली रूट के लिए 2 और बसें शुरू कर दी गई हैं। बर्फबारी के बाद से बंद चल रहे रूटों को फिर से बहाल कर दिया गया है। रोहडू और रामपुर से इन बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। ऐसे में अब रामपुर और रोहडू से दिल्ली जाने वाले यात्री बस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। निगम प्रबंधन की ओर से जनवरी के महीने में बर्फबारी की संभावना के चलते इन दोनों रूटों पर वॉल्वो बस सेवा बंद कर दी थी। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2015 के बाद फरवरी में सबसे अधिक न्यूनतम पारा दर्ज हुआ है। 18 फरवरी को राजधानी शिमला का तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 23 फरवरी 2015 को फरवरी में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण में संजू सैमसन की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स की टीम धर्मशाला में अपना पहला मैच खेलेगी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की टीम 3 मैच धर्मशाला में खेल चुकी है, जबकि पंजाब किंग्स की टीम धर्मशाला में IPL का अपना 10वां और 11वां मैच खेलेगी। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में IPL का पहला मैच 16 अप्रैल 2010 को हुआ था।